74 काशीपुर रोड स्थित ग्राम महेशपुरा में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सीओ बदना वर्मा, कोतवाली प्रवीण सिंह, साथ ही में एसएसआई विक्रम धामी, दोराहा चौकी इंचार्ज और साथ ही में सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज भी मौके पर फोर्स के साथ में पहुंचे और परिजनों की मौजूदगी में उनके पास से शव को झाड़ी में से निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह बताते चले कि मोहिदुद्दीन पुर मापी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद निवासी शरीफ अहमद पुत्र बुद्धन ने कोतवाली में 22 जुलाई को तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मृतक अलाउद्दीन की शिनाख्त उसके परिजन द्वारा की गई। परिजन ने बताया है कि अलाउद्दीन कैंटर चलाने का काम किया करता था। 20 जुलाई को कैंटर लेकर गत्ते बेचने निकला हुआ था। हत्यारे जसविंदर सिंह ने बताया कि कैंटर लूटने का और विरोध करने पर अलाउद्दीन की गर्दन काट दी गई, हत्या कर दी गई। कैंटर लूटने के बाद में उसमें भरा हुआ गत्ता हत्यारों ने बेच दिया था और जिसके बाद में लावारिस हालत में कैंटर छोड़ करके फरार हो गए थे। स्वार कोतवाली शरद मलिक द्वारा कैंटर बरामद कर लिया गया था। घटना में स्वार कोतवाली दर्ज की गई, जिसके बाद में अलाउद्दीन का हत्यारा जसविंदर सिंह लालपुर किच्छा उधम सिंह नगर निवासी को स्वरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में आरोपी जसविंदर की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। वहीं पर परिजनों का आरोप है कि स्वरा कोतवाली पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्वार पुलिस हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रही है। हत्या में शामिल 4 से 5 लोग शामिल होने की सूचना मिली, जिसके बाद में पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके अन्य को बचाने का प्रयास कर रही है। जसपुर गाड़ी चलाता है, ये इसको जो है मर्डर करा, इसका 5-6 आदमियों का काम है इसमें। उसके हाथ बंधे हुए हैं, गर्दन कटी हुई है जी। एक आदमी ना मार सकता है, ना लूट सकता है, ना मतलब घास को फेंक सकता है। तो अभी पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? पुलिस ने 2 को पकड़ा है, कुछ को मतलब बिलासपुर का मतलब चालान कर दिया, 2 सवार में पकड़ रखे हैं। और वो कहता है कि मैंने अकेले ने मारा। पुलिस कह रही है एक आदमी मार सकता है, एक आदमी कैसे मार सकता है? एक आदमी ना मार सकता ना फेंक सकता, फिर एक आदमी के नाम मतलब रिपोर्ट लिख रहे हैं वो। बिलासपुर पुलिस का क्या मामला? वहाँ से जो है ये कह रहे हैं कि उनको अनबली तो वैसे ही है भाई, इन्हें पकड़ के चाकू पे दिखा रहे हैं। पिस्टल पकड़े गए उनके पास से, उनके पास से बोला पिस्टल पकड़े गए, उनको जो है थाने में इसलिए ले गया, ठीक है। और बाकी जब हमने जो है जाकर थाने में जाँच पड़ताल की, मालूम किया, तो उन्होंने बोला कि ये मुलजिम है और इसी ने बोला ये अपने आप अपने ऊपर केस ले रहा है पूरा का पूरा, और बोल रहा है कि बोला मैंने जो है पूरा इसका मर्डर किया है और साइड में बोला चाकू पड़ा था, चाकू निकाला और इसके मारा बोला पेट में, ठीक है। तो मतलब अकेले आदमी को तो बस की हो नहीं सकता है, इसका अकेला आदमी मर्डर कर नहीं सकता ना गाड़ी, और गाड़ी में जब फेंकेगा भी अकेला आदमी नहीं, और उसके हाथ बंधे हुए हैं। अकेला आदमी मर्डर करेगा, हाथ बांध देगा, गाड़ी में जब फेंक देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। नहीं तो इसलिए जो है हम तो इस चक्कर में है कि भाई नाम पूछा तो नाम बोला एक कह दे रखा जसविंदर सिंह का, बस खाली देखिए मारने 5 आदमी है, मारने में 5 आदमी है, ठीक है। आज स्वार थाने से इंस्पेक्टर साहब आए हैं और उनके साथ एक अभियुक्त है। उस अभियुक्त की निशानदेही पर यहाँ कनौरा से एक बॉडी को बरामद किया है। बॉडी लगभग बहुत ही शत प्रतिशत स्थिति में है और लगभग 10-12 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। ये स्वार थाने में एक कैंटर जो कि लावारिस हालत में खड़ा मिला था, उसके बाद ये थाना स्वार से इसमें गुमशुदगी लिखी गई। तो इसमें एक ये अलाउद्दीन नामक व्यक्ति है जो मुरादाबाद के मूल रूप से रहने वाले हैं और ये तस्लीम जो कि रुद्रपुर के रहने वाले हैं उनका कैंटर चलाता था नियमित रूप से। तो यहाँ रुद्रपुर इसका आना जाना लगा रहता था। तो ये इसमें ये चीज़ जाँच में सामने आई कि ये अलाउद्दीन जो हैं ये इनकी गुमशुदगी के बारे में है। तो स्वार थाने ने जब इसमें विवेचना शुरू की तो उसमें उनके द्वारा इसमें एक अभियुक्त जो कि जसविंदर है उसको इसमें गिरफ्तार किया गया है और जसविंदर की निशानदेही पर यहाँ से आज शव को बरामद किया है। फिलहाल शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये हत्या का मुख्य कारण लूट करना बताया जा रहा है। इसमें अभी ये स्पष्ट नहीं है अभी, ये क्योंकि गत्ता लेके चले थे और बहुत ज़्यादा कैश नहीं था, लेकिन ये सब विवेचना का विषय है और ये स्वार एसओ की एसएचओ की विवेचना में ये उसका सम्मिलित किया गया है सब। सलीम रजा की रिपोर्ट।